बच्चे, तुम लोग सीख गए, अब मजा आ रहा है। पर वो छोटी कहाँ चली गई? कहीं नजदीक ही गई होगी। मैं चलकर देखती हूँ। मेरे बच्चे, तुम लोग कहाँ गए? कहाँ हो तुम लोग? मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। क्यों री मैना, बच्चों को ढूंढ रही है क्या? तुझे क्या है दुष्ट सांप, तू भाग यहाँ से, जाकर अपना काम कर। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तेरे बच्चे कहाँ है। कहाँ है मेरे बच्चे? ये देख, मेरे पेट के अंदर। देखो ना क्या हो रहा है, वो सांप हमारे भाई बहनों को खा रहा है, वो शैतान सांप हमें भी निगल जाएगा। रो मत, अब रोना बंद करो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखो 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 कैसे पेट पर झूला झूल रहा है। भाग गई यहाँ से? नहीं, बहुत खेल हो गया, अब मैं जरा आराम कर लूं। चील अंकल, चील अंकल, मेरी बात तो सुनिए, आप कहाँ हैं? कौन है, तुम हो क्या? आप हमारी छोटी सी मदद करेंगे? क्या बात है? उस दुष्ट सांप को आप मार दीजिए ना। पर अब मेरी वो उम्र कहाँ रही, आँखों से दिखता नहीं और ताकत भी नहीं रही। वो क्या है ना, अभी वो सांप सो रहा है, आप एक बार कोशिश करके तो देखिए ना। ठीक है फिर चलो, कोशिश करता हूँ। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। वो देखो देखो देखो, गोपाल दादू आ रहे हैं, उन्हें एक बार बोलकर देखते हैं ना। गोपाल दद्दू, गोपाल दद्दू, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए गोपाल दद्दू। ओ, लगता है मुझे कोई पुकार रहा है। कहीं पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या मैंने गलत सुना है? चलो चलता हूँ, रात सवा जाने में देर हो जाएगी। आप सबकी मदद करते हैं, यही आपकी पहचान है। मैं हूँ पेड़ पर बैठा तोता, मेरी नन्ही सी जान है। अब बराबर सुनाई दिया, ये तो छोटा सा तोता बोल रहा है, वो भी हमारी भाषा में। परियों के देश में जो मनुष्य घूम कर है आते, पशु पक्षियों की भाषा वो अच्छे से समझ पाते। वाह रे वाह, ये तो मजे की बात है। तो बताओ कैसे हो तुम, तुम्हारा हाल चाल ठीक ठाक तो है ना? हाल चाल तो बहुत खराब है दद्दू। क्यों, आखिर हुआ क्या? दुख भरी कहानी है गोपाल दादू, हम सात भाई बहन अपनी माँ के साथ रहते, तभी वहाँ एक दुष्ट सांप आया और एक एक करके उसने मेरे सब भाई बहन खा लिए, और अब हम सिर्फ दो बच्चे हैं। क्या आप उस सांप को मारकर हमारी मदद करेंगे दद्दू? ये कौन सी बड़ी बात है, चलो देखते हैं। वो देखिए, देखिए ना दद्दू, उस दुष्ट को देखिए, कैसे कुंडली मार के आराम से सो रहा है। आज इसे सबक जरूर सिखाना। वो पंछी का बच्चा कुछ बोल रहा है। अरे बाप रे, ये तो गोपाल भार को साथ लेकर आ रहा है, उसके हाथ में बहुत बड़ा डंडा भी है। एक झटके में मेरा काम तमाम होगा, भागता हूँ यहाँ से। ये लो, ये तो भाग ही गया। कहाँ भागा वो शैतान? वो देखिए, देखिए दद्दू, झाड़ियों में छुपा है। लो, ये तो फिर से भाग गया। वो देखिए ना गोपाल दद्दू, आपके सामने से भाग रहा है, मारिए उसे।
अब ये बच के नहीं जाएगा, देख मेरा वार है। अरे फिर से खिसक गया। रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ। गोपाल को साथ लाकर मुझे दौड़ा रहा है। गोपाल दद्दू, देखिए वो बच के जाने ना पाए। ये मेरे हाथ ऐसे नहीं आने वाला। क्या हुआ गोपाल दद्दू, आप ऐसे शांत क्यों खड़े हैं? अब देख, मेरे पीछे दौड़ना इतना आसान काम नहीं है। सांप के पीछे भी भला कोई इस तरह दौड़ सकता है क्या? ये मैं अकेला नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा दद्दू? रुक जा, सोचने दे, क्या करूं। हाँ, राजा के सिपाही के बिना ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता है। जाता हूँ, महाराज से जाकर बात करता हूँ। महाराज कृष्ण चंद्र, जिनमें है दया अपरंपार, इस धरती पर नए रूप में वो है कृष्ण के अवतार। दीन दुखियों के वो है दाता, विपदा में है वो त्राता, हमारे इस राज्य के वो ही है माता पिता। वाह भाई वाह, क्या कविता सुनाई है तुमने, दिल खुश कर दिया। क्या कहते हो मंत्री? सही कहा, बहुत ही अच्छी है ये कविता। इश, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, आप लोग ऐसे मेरे सामने मेरी तारीफ मत कीजिए। हाँ, ये क्या कवि श्री, शर्माना तो नारियों का जेवर होता है, तो वो आखिर आपके पास कहाँ से आ गया कवि श्री? प्रणाम महाराज। महाराज, राजसभा में देर से आना सही नहीं है। क्यों गोपाल, तुम सभा में देर से क्यों आए हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं जानता हूँ महाराज, पर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपके कुछ जरूरी कार्य और बातें होती है ना मंत्री जी के साथ, इसलिए मैं इन बातों के बीच अड़चन नहीं बनना चाहता था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्या कहते हो मंत्री? वो क्या है ना कि महाराज, मुझे आज रास्ते में ही देर हो गई थी। हाँ देर तो हुई, पर ये अच्छी बात नहीं है। उधर मंगल ग्रह पर शुक्र का प्रवेश हुआ है, ऊपर से आज सोमवार है, बड़ी आपदा आ सकती थी जी। वो ऐसा है क्या? फिर जिस कार्य के लिए मुझे जाने में इतनी देर हो गई, वो आपकी मदद के बिना बिल्कुल हो ही नहीं सकता है महाराज। पर हम इनकी मदद तो नहीं कर सकते हैं महाराज, ना हमारे राजकोष की जो हालत है। नहीं नहीं महाराज, राजकोष में हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे 2 घंटों के लिए बस 2 सिपाही दे दीजिए बस। उई माँ, सिपाहियों की बात सुनते ही मेरे हाथ पैर तो ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ पर महाराज, इस वक्त क्या सिपाही भेजना सही रहेगा? ये आसपास के राज्यों की हालत कुछ ठीक नहीं लगती मुझे। ओहो, शांत हो जाओ सभी। गोपाल, तुम्हें अचानक ये सिपाही की जरूरत क्यों आ पड़ी, जरा बताना चाहोगे? एक दुष्ट सांप आकर मेरे सभी भाई बहनों को खा गया। ये फिर से खिसक गया। ये मैं अकेला नहीं कर सकता, राजा के 2 सिपाही लगेंगे, तब जाके ये कार्य पूरा होगा। खबरदार महाराज, ये मैनाओं के साथ राजाओं की दुश्मनी युगों से चली आ रही है। वो तो है, नहीं नहीं नहीं, मैं इन मैनाओं की मदद बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है महाराज, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया था। इस बार गोपाल को सही सबक सिखाऊंगा मैं। क्या बात है? हाँ, इस तरह दोपहर के धूप में यहाँ पर चक्कर क्यों काट रहे हैं? मैं यूं ही चक्कर नहीं काट रहा, सोचते सोचते मुझे लगता है मेरे सर के बाल फिर से उग जाएंगे। ये देखिए ना, देखिए मेरे गले का ये हार कैसा लग रहा है, देखिए जरा, देखिए देखिए देखिए। ऐसे नहीं, अच्छी तरह से देखकर बताइए ना कि कैसा है। ओहो, तब से क्या हार लगा रखा है तुमने। अरे ये क्या, मिल गया, मिल गया हार, मिल गया, मिल गया रे, मिल गया। ये क्या हार, मिल ये गया, क्या हो गया, मिल गया, कहीं मिल गया, पगला तो नहीं गए? मिल गया।
देख लिया ना मेरे पीछे लगने का क्या अंजाम होता है। तूने अच्छा नहीं किया, नहीं किया। मुझे भला बुरा बाद में बोलना, पहले अपना खुद का घर ठीक कर लेना। समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करेंगे। घर तो दोबारा बनाना पड़ेगा। तो फिर चल, अब हमें सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद चलते हैं, अभी तो गोपाल दादू के आने का समय हो गया। तोते, कहाँ हो तोते? ये मुसीबत फिर से आ गई। सुनता हूँ क्या बोल रहा है। तो कैसे हो तुम दोनों? गोपाल दद्दू, उस सांप ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, देखिए ना। लगता है ये सांप मंत्री जी का पिछले जन्म का कोई सगा संबंधी जरूर रहा होगा। अब हम क्या करें बताइए ना गोपाल दद्दू। उपाय है, लेकिन ये काम बिल्कुल चुपचाप करूँगा। सुनो, छिपकर बातें हो रही है, तुम लोग कितनी भी कानाफूसी कर लो मुझे पकड़ नहीं पाओगे। आहा, गोपाल, आज कितने दिनों बाद हम इस बगीचे में आए हैं। हाँ महाराज, चलिए नदी के किनारे चलते हैं। वाह 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 वाह, कितना निर्मल पानी है यहाँ पर। मुझे तो अब नहाने का दिल कर रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल नहाइए महाराज, आखिर आपको किसने रोका है। हैं? ओहो, तुमने तो मुझे भिगा ही दिया। वाह वाह, कितना आराम है यहाँ, मेरा मन शरीर पूरा शांत हो गया। मेरा भी दिल कर रहा है नहाने का। तो पानी में आ जाइए ना महाराज। अगर तुम कहते हो तो मैं भी नहाने आ जाता हूँ। आइए हम दोनों मिलकर खूब तैरते हैं। आहा, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है गोपाल। बिल्कुल सही कहा महाराज। पाकर अच्छा मौका, निकल गया गले का हार लेकर छोटा तोता। अरे, मेरा वो हीरे का हार लेकर, देखो वो पंछी कैसे भाग रहा है। कोई नहीं पकड़ पाएगा। टिंग टिंग टिंग, ये क्या, अब क्या होगा? सिपाहियों, सिपाहियों, आखिर तुम लोग कहाँ रह गए थे? तुम्हारी आंखों के सामने महाराज का हार एक चिड़िया लेकर भागी और तुम लोग देखते रहे। अब जाओ, जल्दी जाओ और महाराज का वो हार लेकर वापस आओ, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं। वाह, कितना सुंदर है ये, तुम मेरे लिए लाए हो क्या? नहीं नहीं, ये तो मैं उस सांप के लिए लाया हूँ। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें इसे सांप को नहीं देने दूंगी, बिल्कुल नहीं देने दूंगी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं उस दुष्ट सांप के लिए ये हार लाया हूँ? सच कहूँ तो उसका नाम सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है। तुम उसे ये नहीं दोगे? ठीक है ठीक है, पर पहले मेरी बात तो सुनो तुम। ये दोनों मिलकर आपस में क्या फुसफुसाहट कर रहे हैं? ओ वाह, देखो देखो देखो, कितना सुंदर अंडा है ना, देखो तो सही। हाँ, बहुत सुंदर चमकदार है ये अंडा, बढ़िया है। अच्छा, आज इसने सुबह सुबह अंडा दिया है, मजा आएगा, चलकर देखना पड़ेगा। चल अभी चलते हैं, फिलहाल तो हमें अपना खाना ढूंढने जाना है, आने के बाद हमें बारी बारी से अंडे पर बैठना भी तो है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर वो दुष्ट सांप आ गया और इस अंडे को खा गया तो? अरे इतना घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। अरे भाग जाओ, जाओ ना, जाओ यहाँ से, मुझे भी अब जोरों की भूख लगी है। अब भागा नहीं जाता मुझसे। अरे तुमने देखा ना, वो पंछी इसी जंगल में उड़ के आया है। हाँ देखा है मैंने, ये देखा भी और सुना भी। बताओ तुमने क्या सुना? हार नहीं ला पाए तो हमारी गर्दन काट देंगे। तो जल्दी से चलो। अरे जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना है। चलो चलो ढूंढते हैं।
ये लो मिल गया। वाह कितना सुंदर अंडा है ये, देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। अरे बाप रे ये है क्या, इतना सख्त अंडा, मेरे तो दांत टूट गए लगता है। इतने पेड़ों के बीच में हम कहां ढूंढेंगे उस पंछी को? ना ना ना, इसे मैं खा नहीं पाऊंगा, ये तो अंडा नहीं है, मुझे बेवकूफ बनाए। अच्छा वो देखो वो देखो, वो दुष्ट सांप हार लेकर भाग रहा है। जाओ जाओ जल्दी से सिपाहियों को बुला लाओ, जाओ ना। हाँ हाँ जाता हूँ। मेरे सर पर किसने मार दिया भाई? अरे वो देखो यही तो है वो पंछी। अरे पंछी रुक जा, अरे रुक जा रुक जा। अरे रुको भाई मैं भी आ रहा हूँ। ताक दिन दिन ताक दिन दिन ताक दिन दिन ताक दिन दिन। अब नृत्य कर रहा है शैतान। पता है मेरे पास कितनी सुंदर चीज है, देख देख। यही तो है महाराज का वो हार। अरे बाप रे ये तो सिपाही है, भाला हाथ में लिए खड़े हैं। सांप के माथे पे हीरा होता है सुना था, पर सांप के गले में हीरे का हार ये नहीं सुना। अब तुम बच के कहाँ जाओगे सांप के बच्चे? मर गया, मत मारो। दोनों सिपाही कर रहे हैं उस दुष्ट की पिटाई। टिंगी 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 टिंगी। खाने थे अंडे, पड़ गए डंडे। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद महाराज को अपने हीरों का हार वापस मिल गया और वो सांप भी मारा गया। और वो मैना? वो मैना वो तो निश्चित होकर अंडे देने लग गई। शाबाश दादाजी शाबाश। सचमुच दादाजी आपका जवाब नहीं। पता है इससे क्या सबक मिलता है बच्चों? कि अगर कोशिश सही हो तो उपाय मिल जाता है। कितने आराम से सो रहे हैं ना तीनों, कितने प्यारे लग रहे हैं। आज हमारा परिवार इतना खुश है उसकी वजह गोपाल दादू हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।